भगत सिंह, जिसका नाम लेते ही शरीर के अंदर ऊर्जा उमंग भर जाती है, जिसका नाम लेते ही साहस का संचार हो जाता है। दोस्तों, मात्र 23 साल की उम्र के अंदर अपना सब कुछ बलिदान कर देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी, महान क्रांतिकारी। दोस्तों, आज़ादी की लड़ाई के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान भगत सिंह के द्वारा दिया गया। आज हम जानेंगे कुछ अनछुए पहलू और भगत सिंह की कहानी। दोस्तों, भगत सिंह का जन्म हुआ 27 सितंबर 1907 में। जिस गांव के अंदर उनका जन्म हुआ, आज वो गांव पाकिस्तान के अंदर है। अपने पिता से बचपन से ही उन्होंने देश के ऊपर बलिदान होने की शिक्षा ली थी। दोस्तों, माता विद्यावती, पिता किशन सिंह, जो पेशे से किसान थे, सरदार थे, पंजाब के रहने वाले थे, उन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन लाहौर के डीएवी कॉलेज में कराया। दोस्तों, लाहौर डीएवी कॉलेज के अंदर जब 1919 के अंदर जलियांवाला बाग कांड हुआ, तब उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसे नौजवान सभा का नाम दिया गया। दोस्तों, उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और वो आज़ादी की लड़ाई के अंदर कूद पड़े। 1922 में जब चोरा चोरी की घटना हुई, तो वो गांधी जी से नाराज हुए, क्योंकि गांधी जी ने चोरा चोरी की घटना में जिन किसानों को नुकसान हुआ था, उनका सहयोग नहीं किया। उन्हें समझ में आया कि देश को अगर आज़ाद कराना है तो सशस्त्र आंदोलन करना होगा। मात्र अहिंसा के जरिए, मात्र असहयोग आंदोलन के जरिए कभी भी आज़ादी को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिल गए। उन्होंने उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली और अपनी नौजवान सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में विलय कर दिया। बाद में जब वो सोशलिस्ट बने, तो उन्होंने इसका नाम बदल कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। क्रांतिकारी भगत सिंह। दोस्तों, 1928 के अंदर जब साइमन कमीशन भारत आया, तो लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में उसका विरोध किया गया। उस विरोध के फलस्वरूप लाठी चार्ज में लाला जी की हत्या हो गई। दोस्तों, भगत सिंह और उसके साथियों ने ये निर्णय लिया कि हमें इस हत्या का बदला अवश्य लेना है। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद और अपने साथियों के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 के अंदर उन्होंने एएसपी जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी, जिसके बाद वो फरार हो गए अपने आप को बचाने के लिए। दोस्तों, इसके बाद एक दूसरी घटना हुई जिसे इतिहास के अंदर बहुत बड़ी घटना के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अंग्रेजी सरकार की सेंट्रल असेंबली, जो कि दिल्ली के अंदर थी, उसके ऊपर बम गिरा दिया अपने दोस्त बट्टू केशवर दत्त के साथ मिलकर, और पर्चे बांटे देश को आज़ाद करने की अपील की। इससे अंग्रेजी सरकार बौखला गई। उन्हें लगा एक 22 साल का युवक उनको चुनौती दे रहा है। और आप देखिए कि भगत सिंह घबराए नहीं, उन्होंने वो जगह नहीं छोड़ी, अपने स्थान से हिले नहीं, उन्हें कैद कर लिया गया। दोस्तों, इसके बाद वो अपने साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ 2 साल जेल में रहे। उससे पहले ककोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और 4 अन्य क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुना दी गई थी, जिससे भगत सिंह खासे नाराज थे। दोस्तों, इन सारी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए जब वो जेल में गए, तो उन्होंने मार्क्स और लेनिन को पढ़ना शुरू किया। एक आस्तिक क्रांतिकारी के मन में नास्तिकता के बीज उगने लगे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से रशियन क्रांति को पढ़ा, उन्होंने लेनिन को पढ़ा, उन्होंने मार्क्स को पढ़ा, उन्होंने अन्य दर्शनों को पढ़ा, और इन सारी चीज़ों से उनके मन में ये आया कि ईश्वर क्यों, ईश्वर का काम क्या है। यदि ईश्वर का काम यही है कि वो इतने सारे अन्याय को संरक्षण देता है, तो ईश्वर की आवश्यकता क्या है। जिससे वो नास्तिकता का शिकार हो गए और उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ जैसे डॉक्यूमेंट रचे। दोस्तों, ये कहते हैं कि उन्होंने जेल में रहते हुए 4 किताबें लिखी और बहुत सारे लेख लिखे। मात्र उनके 2 लेख ही मिलते हैं जो उनके पिता उनकी मृत्यु के बाद बचाकर लाने में सफल हो पाए। दोस्तों, जब शहीदी दिवस के दिन 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर उन्हें सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई, फांसी देने से पहले भी वो रंग दे बसंती चोला, माँ मेरा रंग दे बसंती चोला गीत को गुनगुना रहे थे। दोस्तों, ऐसे थे शहीद भगत सिंह, महान क्रांतिकारी, महान स्वतंत्रता सेनानी। उनके बिना भारत की आज़ादी का ये दृश्य पूर्ण नहीं होता है। उनके बिना भारत शायद परतंत्र ही रहता और हम इस खुली हवा में सांस लेने के लायक नहीं होते। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा योगदान है
उन महान स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्होंने अपने देश भारत को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। शहीदी दिवस, आओ शहीदों को याद करें, शहीदी दिवस मनाएं हम, श्रद्धा सुमन अर्पित करें, चरणों में शीश झुकाएं हम, भगत, राजगुरु और सुखदेव के भावों पर फूल चढ़ाएं हम, याद करें उन वीरों को, सिंहों पर गर्व मनाएं हम, हंसते हंसते वरा मौत को शहादत का जश्न मनाएं हम, आओ सीखें जीने का मतलब, औरों पर जान लुटाएं हम, हमारी खातिर चढ़ गए फांसी, हमारी खातिर चढ़ गए फांसी, उनको न लज्जाएं हम, मुक्त हो हर दास्ता से शहीदी दिवस मनाएं हम, मुक्त हो हर दास्ता से शहीदी दिवस मनाएं हम।